हे हेलो वेलकम गाइस। सो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। सो गाइस आज हम देखो ये गिटार बजा रहे हैं ये। ओए मुन्ना तू क्या हीरो बनने की कोशिश कर रहा है? ओए हे भैया हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं अपने सेनोरिटा को बुला रहा हूँ। ए ओए मुन्ना तू कुछ भी करता रहता है, ओए पहले ध्यान से देख तो ले। हे भैया क्या देखूँ? ओए मुन्ना ये तो अपना घर है ना। ओए हे भैया ये तो अपना ही घर है। ओए मुन्ना तू तो फालतू में हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। ओए हे हाँ भैया मैं तो फालतू में हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। सो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट बगड़े सन की। चला भाई बहुत सीधी ए। सो गाइस जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर दे मैं। ओए मुन्ना जल्दी से कर दे ओए, और गिटार को भी रख ले जल्दी से। हे भैया मैंने आपके कहने से पहले ही रख लिया था गिटार। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम जाएंगे अपने पेट को ढूंढने, लेकिन भैया ये देखो ये पैंथम बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहा है। ओए मुन्ना तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। ओए अभी आने दे, इसके सारे दांत तोड़ दूंगा। हे भैया अभी आने दो, लेकिन भैया अब तो ये मुझे लगता है डर के मारे आपसे भागी गया है। ओए मुन्ना बढ़िया है, नहीं तो मैं इसको फालतू में ही तोड़ देता फोड़ देता। ओए हे हाँ भैया, लेकिन भैया हमको पेट को ढूंढने से जाने से पहले हमको अपने सब्सक्राइबर्स को ये सामान भी दिखा देना चाहिए। हे सो गाइस ये देखो हमारे पास इतना सारा सामान है जो कि गाइस हमने मात्र एक दिन की मेहनत से इकट्ठा किया है। हे और गाइस ऊपर भी जाके देखेंगे क्योंकि ऊपर भी बहुत सारे बॉक्स रखे हैं। ये देखो गाइस कितने ज़्यादा ही बॉक्स रख लिए हैं। और गाइस ये देखो हमारे तीन बेड चमचमा दे। और गाइस ये है हमारी बुक सेल। और ये देखो एक और बक्सा। ओए मुन्ना तीन गद्दे क्यों लगा दिए? ए भैया एक आपके लिए और एक बॉब और मेरे लिए। ए ओए मुन्ना बॉब को क्यों रखा है? ए भैया बॉब तो हमारे साथ ही रहता है ना। ओए मुन्ना मैं तो भूल ही गया था। ए भैया चलो कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस ये देखो हमारे तीन और चमचमाते आर्मर। और गाइस तो आज की वीडियो में हम हेड को ढूंढने जाने वाले हैं जो कि एक डॉग है। सो भैया हमको हड्डी ले लेनी चाहिए। ओए मुन्ना तो जल्दी से हड्डी ले ले ओए, और खाने को भी कुछ रख ले ना। हे हाँ भैया एप्पल कैसा रहेगा? ओए मुन्ना एप्पल तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये भैया चलो एप्पल को ही ले लेते हैं। और भैया चलो जल्दी से नीचे चलते हैं। ओए मुन्ना ऊपर कुछ रह गया है? ओए हे भैया ऊपर क्या रह गया है? ओए मुन्ना कुछ नहीं रह गया। ए भैया आप तो हर समय मजाक ही करते रहते हैं। ओए मुन्ना इतना मजाक तो चलता रहता है। ओए हे भैया चलो ठीक है। और गाइस सामने देखो हमारी दो चमचमाती तलवारें। और गाइस ये देखो हमारे कुछ और बक्से। ओए मुन्ना लेकिन ये तो खाली रखे हैं। ओए हे भैया हम बाद में भरेंगे इनको भी। चलो गाइस अब जल्दी से बाहर का मौसम भी देख लेते हैं और अपने घोड़े को भी। ओए मुन्ना ये तो बहुत अच्छे से खड़ा है। ये भैया ये तो आज पहली बार इतना ज्यादा शांत खड़ा है, नहीं तो भैया हर समय नचता ही रहता था। ओए मुन्ना सही बोल रहा है। हे भैया चलो गाइस गाड़ी से जाएंगे आज हम, क्योंकि गाइस बारिश बहुत तेज हो रही है। ओए मुन्ना लेकिन तू गाड़ी कहाँ पे चढ़ा रहा है? ये भैया अभी देखो यहाँ पर चढ़ा के ले जाऊंगा और भैया किसी को पता भी नहीं चलेगा। हे ओए मुन्ना कैसी अंश की बातें कर रहा है? ये भैया ये क्या होता है? ओए मुन्ना मुझको अभी नहीं पता। ये भैया चलो बढ़िया है, आपको भी नहीं पता मुझको भी नहीं पता। हे ओए मुन्ना लेकिन बहुत तो सही है, लेकिन तू ये क्या करने जा रहा है? ये भैया मुझे लगता है गाड़ी से जाना मुश्किल है। हे ओए मुन्ना सही बोला, ये तो हर जगह अड़ी रही है। ओए हे भैया अगर अपन को कहीं दूर जाना पड़ेगा तो ही गाड़ी को लेके जाया करेंगे। ओए मुन्ना सही बोला, गाड़ी को रख दे ओए, घोड़े को ही ले जाते हैं। ए हाँ भैया अब घोड़े को ही ले जाना पड़ेगा जो कि हमारा सबसे प्यारा घोड़ा है। ए और गाइस अभी इसको पता भी नहीं कि इसका एक और दोस्त आने वाला है। ए ओए मुन्ना इसको पता भी नहीं है, चलो इसको मिलवा के आते हैं। ओए हे हाँ भैया इसको डायरेक्ट मिलवाएंगे, चलो जल्दी से इसको छुड़ा लेते हैं और फिर इसके ऊपर बैठ के यहाँ से निकलते हैं। ये देखो भैया हम निकल चुके हैं। सो गाइस आज हम करने जा रहे हैं फिर से यूनिकॉर्न की राइड। ये देखो भैया ये तो बादलों के ऊपर भी उड़ता है। ये ओए मुन्ना यूनिकॉर्न की राइड में तो बहुत मजा आता है। ओए हे भैया बहुत मजा आता है। और भैया नीचे देखा था आपने विलेजर को? ओए मुन्ना उसको तो पता भी नहीं चल रहा था कि अपन इतनी ऊंची राइड ले रहे हैं। ये भैया उसको तो कुछ नहीं पता था। और गाइस आपने देखा कि कितनी थोड़ी सी देरी में ये कितनी दूरी तय कर लेता है और कितनी ऊंची थलांगे मारता है।
ओए मुन्ना लेकिन तू ये कहाँ पर फंस रहा है? ये भैया ये देखो निकल चुका हूँ सो गाइस, जब हमको अपना फेड मिल जाएगा सो गाइस हम आपके लिए वीडियो को स्टार्ट कर देंगे। ओए मुन्ना बढ़िया है। ये भैया ये देखो गाइस हम पहुँच चुके हैं सो गाइस, अभी हमारा घोड़ा थोड़ा सा थक गया है इसलिए हम गाइस इसको बांध के यहीं पे ढूंढेंगे अपना पेट। ओए मुन्ना सही है। ओए ये भैया हम यकीन ये घोड़ा तो बहुत नटखट होता जा रहा है। ये देखो भैया फिर से भाग गया। ओए मुन्ना ये क्या था? ये भैया ये कौन है? ओए मुन्ना ये कौन सा नया पेट आ गया? ये भैया पता नहीं ये कौन सा नया पेट है और पता नहीं भैया ये क्या खाता होगा। ओए मुन्ना तूने ये क्या कर डाला? ये देख मुन्ना अब इसने मार दिया ना। हाँ ये भैया मुझसे गलती हो गई है। ओए मुन्ना चल कोई नहीं, लेकिन मुन्ना ये देख पेगासस कितना शरारती होता जा रहा है ओए तेरे लाड़ प्यार के वजह से। ये भैया ये शरारती तो होता जा रहा है। और भैया ये देखो हमको पेड मिल चुका है। ओए मुन्ना जल्दी से इसको टेम कर ले। ओए ये भैया ये भी भग रहा है। ओए मुन्ना जल्दी से टेम कर ले। ओए ये तो मुन्ना बहुत ज़्यादा ही हड्डी खा रहा है। ये देखो भैया दिल चमक गए। इसका मतलब भैया ये हमारा दोस्त बन चुका है। ओए मुन्ना ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये भैया ये घोड़ा कहाँ पर फंस गया अपना यूनिकॉर्न? ओए मुन्ना अब तो सही बोल रहा है, यूनिकॉर्न बोला कर इसको। ये भैया पहले गलती हो गई थी कि मैंने इसको पेगासस ही बोल डाला था। ये ओए मुन्ना सही बोला। ओए हे हाँ भैया सही बोलता हूँ। लेकिन भैया ये देखो हम तो फिर से पानी में गिर गए। ओए मुन्ना तो क्या हुआ, अब तो वो अपना दोस्त है। ओए हे हाँ भैया दोस्त तो है लेकिन भैया ये देखो फिर से गलती से एक बार अटैक पड़ गया उसमें। ओए मुन्ना क्या गलती करता रहता है सुखदन तू? ये भैया थोड़ी सी गलती हो जाती, चलो भैया जल्दी से इसके ऊपर बैठ ले। भैया ये देखो हमारे डॉगी ने भी हमको बचा लिया है। ओए मुन्ना ये तो बहुत बढ़िया बात है। भैया इसी वजह से तो मैं पेट को पालता हूँ, जिस वजह से भैया ये हमारे बाद में काम भी आते हैं। ओए मुन्ना बहुत बढ़िया है, लेकिन मुन्ना ये देख पेगासस कहाँ पे भाग गया? ओए है भैया फिर से पेगासस तो भाग गया है, लेकिन भैया ये देखो क्योंकि भैया ये अब हमारा दोस्त है इसलिए भैया जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ पर ये आएगा। ओए मुन्ना ये तो बहुत बढ़िया बात है। ओए हे हाँ भैया ये तो बहुत बढ़िया बात है। चलो भैया अब इसके ऊपर बैठते हैं और लंबी सी छलांग मार के यहाँ से जल्दी से इसको नदी को पार कर लेते हैं। ओए मुन्ना जल्दी से छलांग मार दे। और ये भैया ये तो छलांग मारना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत देर से मैं छलांग मार रहा हूँ लेकिन भैया ये पेगासस तो भग ही जा रहा है। ओए मुन्ना तूने ऊपर को भी आ जा। और ये देखो भैया हमारा पेगासस आ गया है और हमारा डॉगी भी आ गया है और भैया जल्दी हम इसका नाम भी सोचेंगे। ओए मुन्ना तू उसको छोड़ ही आया। ओए हे भैया छोड़ के नहीं आया हूँ, भैया ये हमारा दोस्त बन गया है तो भैया वो हमारे घर तक आ जाएगा। ओए मुन्ना ऐसी बात होती है क्या? ये भैया ऐसी बात होती है। चलो भैया अब हम मेरे ख्याल से लगभग अपने घर पे पहुँचने ही वाले हैं। ओए मुन्ना जल्दी से पहुँच जा, फिर पार्टी करेंगे। ये भैया पार्टी क्या करेंगे, अपने पास तो कभी कुछ सामान भी नहीं है और भैया अपने पास अभी ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जिसकी अपन खुशी बनाएंगे। और अपन को वैसे भी भैया बिल्कुल भी सपोर्ट भी नहीं मिलता है यूट्यूब पर। ओए मुन्ना सही बोल रहा है। ओए हे भैया लेकिन ये देखो हम दोबारा से पानी में गिर चुके हैं। ओए मुन्ना चल जल्दी से बाहर निकल जा। ओए हे हाँ भैया और गाइस जब तक आप हमको सपोर्ट नहीं दिखाओगे जब तक गाइस हम अपनी पार्टी भी नहीं कर सकते हैं, सो गाइस जल्दी से हमको अच्छे से सपोर्ट दिखाओ सो गाइस हम जल्दी से पार्टी भी करेंगे। और भैया ये देखो ये पेट यहाँ पर भी आ गया है। ओए मुन्ना ये है कौन आखिर? ये भैया पता ही नहीं चल रहा ये कौन है, लेकिन भैया इसको कुछ खिला के भी देखते हैं लेकिन भैया ये तो कुछ खाता ही नहीं है। और मुन्ना ये देख ये अपना पेगासस भी कुछ नहीं खाता है। ये भैया आपने दोबारा से पेगासस बोल दिया, आपने तो मुझको सिखाया था और आप खुद ही पेगासस बोल रहे हो। ओए मुन्ना गलती हो गई। ओए हे भैया और ये देखो हमारा पेट अपने पीछे ही आ गया। ओए मुन्ना ये डॉगी तो बहुत बढ़िया पेट होते हैं। ये भैया बहुत बढ़िया होते हैं क्योंकि भैया ये देखो भैया इसने अपने बालों को झड़ाया। ओए मुन्ना मैंने देखा, ओए कितना प्यारा लग रहा था। ये भैया बहुत प्यारा लग रहा था लेकिन भैया ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? ओए मुन्ना आ गया, ये देख हमारा गुल्लू मुल्लू कितना प्यारा लग रहा है। ये भैया बहुत प्यारा लग रहा है,
चलो भैया इसको यहाँ पर लिटा देते हैं। ओए मुन्ना लिटा दिया, ओए अब जी जल्दी से आराम कर लेगा ये भैया। चलो बढ़िया है, और सब हम इसके लिए थोड़ा सा खाना भी लेके आना पड़ेगा भैया। ओए मुन्ना चल जल्दी से खाना भी लेने चल। ओ हे भैया खाना अब हमको लेने जाना पड़ेगा, जो कि भैया हमको ज़ॉम्बीज़ों को मारना पड़ेगा। ओए मुन्ना ये क्या ज़ॉम्बीज़ों को खाता है? ये भैया ज़ॉम्बीज़ों को नहीं खाता है भैया, ज़ॉम्बी से के मांस को खाता है। ओए मुन्ना तो हम पे तो है ही नहीं। ये भैया सारे बॉक्स ही खाली डले पड़े हैं। चलो भैया हम जल्दी से ज़ॉम्बीज़ को मार के आते हैं और थोड़ा सा मीट भी लेके आते हैं। ओए मुन्ना मैंने कब मना किया, और जल्दी से जा। ये भैया चलो जल्दी से चलते हैं, और गाइस हमको अपने पेट का नाम भी सोचना पड़ेगा। ओए मुन्ना जल्दी से सोच लेंगे। ये भैया और गाइस अगर आपको कोई नाम पसंद हो तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, हम वो ही अपने पेट का नाम रख देंगे। ओए मुन्ना ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मुन्ना तू ये क्या कर रहा है? ये भैया मैं इसके लिए कुछ खाने की देख रहा था, लेकिन भैया ये तो कुछ खाता ही नहीं है। ओए मुन्ना पहले जल्दी से अपने पेट के लिए खाना लेने चल। ओए हे भैया पेट के लिए खाना, ये देखो भैया सामने इसको ही मारेंगे, क्योंकि भैया ये बहुत ज़्यादा ही तीरंदाजी करता है और भैया बहुत ज़्यादा भी डैमेज देता है। ओए मुन्ना दे देख तीर मार भी दी। ओए हे भैया चलो जल्दी से खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो भैया हम मर सकते हैं। ओए मुन्ना तो खा ले ना। ये भैया मैं तो भूल ही गया था, लेकिन भैया हमको ऊपर भी जाना पड़ेगा। ओए मुन्ना सही बोला, नहीं तो वो मार देता वहाँ पर। ये भैया अब खाएंगे हम आराम से एप्पल। ये भैया ओए मुन्ना जल्दी से खा ले, ओए फिर जल्दी से हमको अपने पेट को भी खाना खिलाना है। ये भैया वो भी बहुत ज़्यादा ही भूखा, और भैया सामने देखो भैया दो ज़ॉम्बीज है। ओए मुन्ना तो मारेंगे उनको, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, इनके सारे दांत उखाड़ देंगे। और हे हाँ भैया ये देखो एक आने लगा है हमारे पास में। ओए मुन्ना तोड़ दे तलवार से इसको फोड़ दे। ओए भैया लेकिन इसने थोड़ा, ओ भैया इसने तो हमको एक आयरन इनगोट भी दे दिया है। और मुन्ना ये तो बहुत बढ़िया बात है, और मुन्ना ये समझ नहीं आ रहा ये कौन सा पेट है, और ये पत्ता नहीं क्या खत्ता है। ये भैया हमको जल्दी से इसका भी पता करने पड़ेगा। और मुन्ना चल कर लेंगे, और पहले तो जल्दी से घर पे चल। हाँ भैया और भैया इसका भी पता नहीं है, घोड़ा भी अपना क्या ही खाता है। ओए मुन्ना पता नहीं ये दोनों क्या खाते हैं, लेकिन मुन्ना अपन को ये तो पता है कि अपना डॉगी क्या खाएगा। हाँ भैया लेकिन भैया ये देखो हमारे पास एक आयरन इनगोट है, इसको यहीं पर रख देते हैं। और गाइस फिर जल्दी से ऊपर चलते हैं और अपने बैल को भी खाना खिला देते हैं। ये देखो भैया कितने ही दिल बरसा रहा है। और गाइस अगर आप भी हम पे दिल बरसाना चाहते हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओए मुन्ना ये तो बहुत बढ़िया बात बोली है भैया। चलो भैया अब वीडियो को खत्म करने का समय आ गया है। ओए मुन्ना तो कर दे, ओए वैसे भी मुझको ओंग आ रही है। ये भैया तो आप जाके डॉगी के साथ सो जाओ। मैं बस अपना आखिरी इंट्रो बोल के आता हूँ। सो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो गाइस चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।